बाबा गोरखनाथ भारत के कोने कोने में, वर्ल्ड के कोने कोने में फेमस हो चुके हैं और खिचड़ी मेले के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में दर्शकों का और भारी भीड़ लगती है दोस्तों। देख सकते हैं भारी तादाद में लोग श्रद्धालु मौजूद यहाँ पर बाबा गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ा रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम भी पहुंचे हुए हैं बाबा गोरखनाथ के इस प्रांगण के अंदर बाबा गोरखनाथ जी खिचड़ी चढ़ाने के लिए। देख सकते हैं कितने तादाद में खिचड़ी का जो चावल होता है इकट्ठा हो चुका है और यहाँ के जो भगदड़ इकट्ठा करके उसको कहीं स्थापित कर रहे हैं। तो हम भी चल रहे हैं लाइन में लाइन, वन बाय वन करते करते, हमारे साथ चलते रहिए, आपको पूरे गोरखनाथ मंदिर का दर्शन कराएंगे दोस्तों। तो चलिए बताते हैं आपको हैं कि गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेले से क्या ताल्लुकात है और क्यों इसको मनाया जाता है। ये बड़ा सा प्रांगण, ये बड़ा सा मंदिर दिख रहा है, ये गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर है और यहीं पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास भी है। तो आज बताएंगे आपको खिचड़ी मेले के बारे में दोस्तों। त्रेता युग की बात है, गोरखनाथ जी जिनके नाम पर गोरखपुर शहर का नाम पड़ा हुआ, टहलते टहलते पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंदर ज्वाला देवी मंदिर के पास में। जब मंदिर पर पहुंचने होते हैं तो वहां की माता रानी प्रकट होती हैं गोरखनाथ जी के सामने और कहती हैं कि आइए हमारे प्रांगण में आप भोजन कर लीजिए। बाबा गोरखनाथ जी उनका निमंत्रण अस्वीकार नहीं कर पाते, उनके साथ चले जाते हैं भोजन करने के लिए। लेकिन वहाँ पहुँचने बाद देखते हैं कि वहाँ पर जो है मांस का सेवन हो रहा है, तो कहते हैं ज्वाला देवी जी से कि मैं खिचड़ी खाता हूँ। ज्वाला जी समझ जाती हैं, कहती हैं कैसी खाते हैं खिचड़ी आप? तो गोरखनाथ जी कहते हैं मैं भिक्षा मांग खाता हूँ। तो ज्वाला देवी कहती है ठीक है, मैं आग जलाती हूँ वहाँ पर के, और आप जाइए भिक्षा मांग के लेकर, फिर खिचड़ी बना दूँगी मैं। बाबा गोरखनाथ वहाँ से निकलते चलते 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 इस क्षेत्र में पहुँच जाते हैं जिसको आज गोरखपुर कहा जाता है। यहाँ भारी तादाद के अंदर जंगल था यहाँ पर, और उसी जंगलों के बीच में एक कुटिया हुआ करता था और वहाँ बैठते थे मच्छिंद्र नाथ जी। उन्हीं के शरण में आते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं और वहीं संकल्प करना शुरू कर देते हैं और लौट के ज्वाला देवी मंदिर पर नहीं जाते हैं। तो आज भी देखा जाता है वहाँ पर जो है वो आग जल रहा है और जा रहा है कि बाबा गोरखनाथ जी वहाँ पर आएंगे। और गोरखपुर के अंदर तब से जो है खिचड़ी मेला मनाने का आयोजन शुरू हो चुका था। धीरे धीरे करते 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 ये मेला भव्य तो चला गया और आप भव्य से बहुत भव्य हो चुका है, क्योंकि इसी प्रांगण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं आज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो बता दूं आपको सिक्योरिटी व्यवस्था एकदम टाइट हो चुकी है। अगर आप भी गोरखपुर के अंदर गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेला में आना चाहते हैं, जो लगभग एक महीने का ये मेला चलता है, 14 जनवरी शुरू होता है मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के पीछे भी एक राज है कि बाबा गोरखनाथ जो है गोरखपुर मतलब इस क्षेत्र में आए हुए थे मकर संक्रांति के दिन, तभी से जो है इस जगह और इस दिन को जो है खिचड़ी मेला का आयोजन होता है। लगभग एक महीने मेला चलता है और आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मैंने पूरा वीडियो बना लिया है आप दर्शकों के लिए कि मेले के अंदर किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पूरा वीडियो देखेंगे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको पूरा एंजॉय कर सकेंगे और आप गोरखपुर को जान सकेंगे दोस्तों। तो देखिए म्यूज़िक के साथ में पूरा वीडियो, झूला, खाना पीना, मौत का कुआं, सारी चीज़ें वन बाय वन करके आपको दिखाएगा, पूरा देखिएगा। और हमारे चैनल को पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अपने दोस्तों के बाद में आपको मैसेज पहुँचाए जाते हैं तो पहुँच जाएगा दोस्तों। हमारे चैनल जोगिंदर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और लड्डू का साथ में एंजॉय करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का वो दौर।